सो गाइज व्हाट्सएप इट्स योर सनी एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो। तो गाइज मैं इसको वीडियो ही कहूँगा क्योंकि इसको ये ब्लॉग किसी टाइप का ब्लॉग नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टोरी में अपनी व्हाट्सएप पे भी इंस्टाग्राम पे भी कि मेरे साथ जो भी कुछ हादसे हुए हैं या फिर जो भी कुछ हुआ है अभी इन दिनों में, तो मैं वो आपको बताऊँगा। तो गाइज वही बताने के लिए मैं कितनी दूर आया हूँ, देखो ये है पहाड़ों के बीच हूँ मैं, बिल्कुल बैठा हूँ। लोकेशन शायद मैं रिवील ना करूँ, लोकेशन मैं इंस्टाग्राम पे रिवील कर दूँगा, दिखाऊँ। तो गाइस आप स्टोरी में ही ध्यान दीजिए। तो गाइस यही है कि 3 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, 3 साल से मैं हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहा हूँ। क्या है कि मेरी मम्मी जो है वो डायबिटीज़ की पेशेंट है, और तो डायबिटीज़ की जो मतलब बीमारी आपको तो पता ही होगा काफ़ी बड़ी बीमारी है, तो उसकी मैं मेडिसिन वगैरह लाता रहता हूँ। और उसके बाद से क्या हुआ कि उसके मतलब 3 साल के बाद क्या हुआ कि मेरे पापा का भी जो था, मतलब मेरे पापा को भी बीमार पड़ने लगे वो धीरे धीरे। फिर क्या हुआ उसके बाद से मेरे पापा थोड़े बीमार पड़ने लगे, तो उनकी भी वही मेडिसिन जो मेरे पापा की अगर चेकअप्स वगैरह हुए थे शुरू में, उसमें थोड़ी लीवर की प्रॉब्लम बताई गई थी कि इनके लीवर में सूजन वगैरह है, लीवर इनका थोड़ा मतलब डैमेज तो नहीं कह सकते, उस टाइम डैमेज वैमेज का कोई सीन नहीं था। तो यही कहा था कि क्या नाम है, इनके लीवर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनके लीवर की जो मेडिसिन है वो चलेगी। तो हमने चला दी वो, उसके बाद मेरे पापा लीवर की मेडिसिन वगैरह खानी शुरू करी एंड ठीक हो गए वो। उसके बाद मतलब होली आ चुकी थी, तो होली पे सब लोग ड्रिंक्स करते ही करते हैं, तो गाइस वही ड्रिंक्स वाला सीन था, तो ड्रिंक कर ली पापा ने। तो फिर वहाँ से उनकी थोड़ी सी कहानी ज़्यादा बिगड़ गई, तो फिर वहाँ से ऐसा हुआ उनके साथ। तो फिर क्या हुआ कि यार मतलब लॉकडाउन में जो था, मैं लॉकडाउन में मतलब लॉकडाउन लग चुका था, आपको ही पता है होली के बाद 2020 में जो था लॉकडाउन लग चुका था। तो लॉकडाउन में मतलब उनको हॉस्पिटल, लॉकडाउन से पहले ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, 17 मार्च में हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था उनके पापा को। तो फिर वहाँ से भी हमें निकाल दिया गया हॉस्पिटल में से, कि ये कहे कि कोविड की वजह से पूरा हॉस्पिटल खाली कर रहे हैं हम लोग, मतलब सारे हॉस्पिटल खाली हो रहे थे, सारे हॉस्पिटल लॉक हो रहे थे उस टाइम, बस कुछ ही हॉस्पिटल थे जहाँ पे आपके कोविड के जो वो बने हुए थे आइसोलेशन वार्ड, तो वही हॉस्पिटल ओनली बस ओपन थे, और एमरजेंसी में ले रहे थे कुछ हॉस्पिटल बड़े बड़े, और सारे हॉस्पिटल खाली करा दिए गए थे। तो हम भी अपने पापा को घर ले आते, उस टाइम मेरे पापा की हालत भी ठीक हो गई थी, कोई इतनी बेकार थी नहीं, मतलब बोल वगैरह थे, खा पी वगैरह सही रहे थे। तो हमने सोचा कि घर से ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, तो वही घर से ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद ठीक रही हालत, फिर कुछ टाइम बाद हालत बिगड़ने लगी, फिर क्या हुआ कि हम सोच रहे फिर से हॉस्पिटल लेके जाएं, तो हॉस्पिटल के दरवाजे यार एक तरीके से हमारे लिए बंद ही हो चुके थे। अब बंद क्यों हो चुके थे मैं भी वो बता देता हूँ आपको, बंद इसलिए हो चुके थे क्योंकि सबसे पहले कोविड का टेस्ट हो रहा था, अगर हम देन पापा को हॉस्पिटल लेके जाते तो देन पहले मैं कोविड का टेस्ट कराना होगा, एंड वो अगर पॉजिटिव निकलता मेरे पापा का तो फिर हमारे पूरे फैमिली का टेस्ट होता। तो फैमिली में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मतलब एक साल का बच्चा भी है मेरी फैमिली के अंदर, है ना। और तो इस वजह से मेरे घर वालों ने कहा कि यार नहीं, लेकिन ये भी कोई इतनी बड़ी वजह नहीं थी, और ये भी कोई इतनी बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन अगर जैसे मेरे पापा की हालत थी उस टाइम, लीवर डैमेज बता दिया गया था कि मेरे पापा का जो है बोल उनका लीवर डैमेज है, तो गाइस ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। और उसके बाद से क्या हुआ कि फिर यही चलता रहा, घर पे ट्रीटमेंट चलता रहा, हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते थे क्योंकि यार वही था ना, उनको उस टाइम आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, और अगर हम आईसीयू और वेंटिलेटर उनको देते तो शायद हमें उनको आइसोलेशन वार्ड में रखना पड़ता, और आइसोलेशन अगर वार्ड में हमें रखना पड़ता उनको तो फिर वहाँ से, तो यार आप ही को सबको पता है कि कोविड-19 के मतलब जब लॉकडाउन था और जो भी कोविड में गए हैं तो उसमें से शायद ही 70-80% तो वापस आए नहीं लोग, बिल्कुल सही सही लोग जो गए हैं ना भाई वो भी वापस नहीं आए वहाँ से, और मेरे पापा को तो फिर भी बीमारी थी तो वो कहाँ से वापस आ सकते थे। तो गाइस बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से हम उनको हॉस्पिटल में नहीं लेके जा सकते थे, इस वजह से हॉस्पिटल के जो गेट थे वो हमारे लिए बंद थे। तो गाइस यही था 3 महीने बिल्कुल हमने जो, लेकिन हमने 3 महीने में जो हमने ना अपने घर को जो हॉस्पिटल की तरफ क्रिएटिव किया है,
मतलब जो जिस रूम में मेरे पापा थे उस रूम में हर तरीके की मेडिसिन, हर तरीके की ट्रेप, हर तरीके की हर चीज़ रखी थी, जब भी कुछ इमरजेंसी हो तो हम ये सारी चीज़ें उनके मेडिसिन लगा सकें, सारे इंजेक्शन, मतलब जो भी उनके मेडिसिन में काम आए वो सारे इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। और मैं भी उसमें आधा डॉक्टर बन चुका था, ट्रीटमेंट सारी चीज़ें मेरे से करनी आ गई कि हाँ ट्रिप कैसे लगाते हैं, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो भाई वो भी सारी चीज़ें करनी आ गई। तो सारा ट्रीटमेंट मैं ही देख रहा था, मतलब एज अ कंपाउंडर, और वैसे जो डॉक्टर थे वो बताते थे कि अभी ट्रीटमेंट लगाने, अभी ट्रीटमेंट लगाने, तो मैं भी उसमें पूरी कोशिश कर रहा था, पूरी मेहनत थी यार। अगर तुम्हारे यार माँ या पापा, मतलब माँ या पापा में से कोई भी अगर ऐसी हर उसमें है तो तुम उससे पूरी जी जान लगा दोगे, हर कोई जो अगर प्यार भी नहीं करता होगा वो भी अपनी पूरी जी जान लगा देगा इसकी इसको लेकर ही कि यार पापा हैं कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो गाइस यही वाला सीन मेरे साथ था, और बस उसी को लेकर 3 महीने मैंने अपनी पूरी मेहनत की कि पापा ठीक हो जाएं, कैसे जैसे भी करके ठीक हो जाएं, पूरी बिल्कुल पूरी ही मेहनत की यार, मतलब पूरा जी जान लगा दिया एक तरीके से मान लो। तो वही 6 अगस्त का दिन था, मतलब 6 अगस्त की डेट थी, और 6 अगस्त में वही मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका था। 6 अगस्त को रात में 3 बजे, मतलब मैं अपने बर्थडे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में से आया था, आज मेरा दोस्त है उसको 6 अगस्त को बर्थडे होता है, तो मैं चला गया था उसके साथ ही बर्थडे पे। मैं भी यार बहुत हो चुका था मेडिसिन से, मैं सोचा थोड़ा घूम गया चाहिए, मैं थोड़ा घूम भी लूँगा और बर्थडे में भी चला जाऊँगा उसके बुरा नहीं लगेगा। तो 6 तारीख को मैं चला गया, फिर 6 तारीख को जब मैं उसके बर्थडे से वापस आया तो घर पे बैठी हुई मेरी मम्मी रो रही थी रूम में। मैं गया, मैंने पूछा क्या हुआ, मम्मी ने बोला कि तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब है, मैंने बोला क्या कर सकते हैं, तो फिर वही हॉस्पिटल में लेके जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन चल रहा था बहुत ही मरी वाला, लेकिन अगस्त में हाल फिलहाल में ख़त्म हो चुका था लॉकडाउन, अगस्त में ख़त्म हो चुका था, अगस्त से पहले बहुत ही स्ट्रिक्टनेस वाला लॉकडाउन था जब मेरे बाप की तबीयत ज़्यादा खराब थी। तो फिर हमने सोचा, हम सोचते क्या उस रात को इतना, मैंने सोचा कि 3 महीने से इतनी तबीयत ख़राब है तो क्या पता थोड़ी सी हो, कल हॉस्पिटल में दिखा देंगे या फिर किसी उसमें करा देंगे, अब तो हॉस्पिटल भी खुल चुके हैं। उसी टाइम में हॉस्पिटल सारे ओपन हुए थे पूरी तरीके से, और तभी 6 अगस्त को ही रात में 3 बजे ही इज डेड, माई फादर इज नो मोर इन वर्ल्ड। तो गाइस यही था, तो फिर क्या कर सकते थे यार, वहाँ पे दिल मतलब इतना टूट चुका था बहुत ज़्यादा कि यही था कि हाँ क्या ही कर सकते थे। 2020 का सबसे बड़ा हादसा उसको कह सकते हैं, 2020 का क्या अब तक का, मतलब एक फैमिली होती है ना, एक पेरेंट्स होते हैं माँ और बाप, उसके लिए आप पूरी दुनिया छोड़ सकते हो शायद, या फिर हर कोई अपने पापा या मम्मी से सबसे ज़्यादा प्यार करता होगा मेरे हिसाब से, तो उससे ज़्यादा यार कौन किसी से करता होगा, उन्होंने तुम्हें पाला है, बड़ा कराया, सब कुछ है। तो मेरी भी वो 3 महीने की मेहनत थी, शायद मैंने उसमें पूरी जी जान लगा दी थी अपनी, और शायद जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको भी बहुत कुछ पता है कि हाँ मेहनत तो सबने की है, तो शायद 3 महीने की वो जो मेरी मेहनत थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी पूरी तरीके से। 6 अगस्त को रात 3 बजे मतलब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, और उसके बाद से शायद मेरा दिल इतना पत्थर हो चुका है कि अब तो रोना भी ना आए। तो गाइस ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो गाइस वहाँ तक की कहानी थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद से फिर से हमने जीना चालू करा, रो धो के भी क्या करना है यार, कुछ नहीं है, जीना हमें अकेले है, रो धो के भी क्या करना है, जीना हमें अकेले है, तो गाइस अकेले ही जीना है ना। तो यही है, यही थी कहानी यहाँ तक की। उसके बाद से क्या हुआ, फिर सब कुछ ठीक चला। अब मैंने ये तो बताया नहीं कि मेरी फैमिली में मेम्बर्स कितने हैं, तो मेरी फैमिली में मेम्बर्स हैं, मैं हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है, और एक उनसे बड़े भैया हैं आकाश भैया, और जो बीच वाला था जो उनसे छोटे हैं वो विकास, और मेरा नाम सोनू, मेरा घर का नाम सोनू है, वैसे वायदा भी सनी है, इट्स योर सनी गाइस। और मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे बड़े भैया की वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, और जो छोटे भाई है उसकी वाइफ है और उनका एक बच्चा है। तो गाइस ये सिस्टम था। अब पापा तो जा चुके थे घर से, एक मेम्बर माइनस, ठीक है, और बाकी प्लस में चल रही थी कहानी लोगों की, तो घर से एक मेंबर माइनस हो गया। तो जब एक घर से मेंबर जाता है ना, और वो भी हेड जाए घर का, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या कहूँ यार मैं, कैसे वो फील करने वाली बात होती है जब किसी के घर से कोई मेंबर जाएगा
एक मेरी फ्रेंड है, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसको फील होता होगा शायद वैसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसके घर से भी वही सेम जो मेरे साथ सीन है वो उसके साथ भी वही सेम सीन है, उसके घर से भी ऐसे दो मेंबर गए हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं शायद वो जानते हों मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने यहाँ तक वो वीडियो तक देख चुके हैं तो वो कमेंट करके बताएं, हाँ शायद वो उसको जानते होंगे, लेकिन नाम मत देना कमेंट्स में भी उसका, है ना। ऐसा अच्छा नहीं लगता मैं किसी को कैमरे के सामने या फिर वीडियो के सामने लाऊं, अगर मैं अपनी कहानी ला रहा हूं तो ऐसे मुझे हक नहीं है कि मैं किसी फैमिली को या किसी उसको सामने लेके आऊं। तो गाइज यही था, उसके बाद जैसे तैसे करके ज़िंदगी चली, फिर से सही हुआ, सब कुछ सही हुआ। अभी लास्ट मंथ में ये जो आपका फरवरी जो बीता है फेब्रुअरी, तो इसमें लास्ट मंथ में मेरे साथ ही सेम वही कंडीशन हुई, लेकिन वो जो लास्ट 3 मंथ्स की थी उसमें लॉकडाउन वाली जो की थी कंडीशन, वो लास्ट 3 मंथ्स की थी, और जो अभी की कंडीशन जो बीती है वो भी बहुत काफ़ी हद से, मतलब काफ़ी जो बुरी बीती है वो भी कंडीशन। तो गाइस उसका भी हम पूरा इन डिटेल में बताएंगे आपको, तो क्या कंडीशन बीती है कि अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम 3 भाई थे, आकाश, विकास, सोनू मैं हूँ। भाई आकाश भैया मैं दिखा दूँगा, या देखो उनका क्या दिखा के दूँगा, बता रहा हूँ ठीक है। तो अब क्या हुआ मेरे साथ जो लास्ट मंथ में हुआ है वो क्या हुआ वो बताता हूँ आपको। तो वो ये हुआ कि अब विकास जो था मेरे से बड़ा वाला भाई मेरा, उसकी अचानक से तबीयत ख़राब, वो अपने ससुराल गया हुआ था। सबसे पहली बात मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ तो शुरू से बताऊँगा, तो सबसे पहली बात वो अपने ससुराल गया हुआ था, ससुराल से वो आया तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोला रात में कि ऐसे ऐसे विकास की जो तबीयत है वो ख़राब हो रही है। मैं कह रहा चलो ठीक है मेडिसिन दिला देंगे यार, भाई है तबीयत ख़राब हो रही है कोई नहीं। अब सुबह ही नहीं हुई यार, 4 से 5 ही बजे होंगे, इतने में ही उनकी वाइफ ऊपर रहते हैं ना वो रूम में, तो ऊपर से नीचे, हम नीचे थे तो ऊपर से नीचे भागती जाती हैं, कहती हैं ऐसे ऐसे उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रही है। हमने यार क्या करा, हमने सबको इकट्ठा कर लिया, हमने देखा कि हाँ यार तबीयत ख़राब हो रही है, एकदम से क्या करेगा इंसान, हॉस्पिटल ही लेके जाएगा। तो हॉस्पिटल हम लेके गए कि हाँ यार तबीयत ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल लेके जाओ, ठीक है हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ 5 दिन एडमिट रहा, ठीक होके आ गया। वहाँ से उसको मतलब कुछ शिकायत हो रहा है दौड़े वगैरह पड़ने की, तो हमने वो भी दिखाया, उसमें भी ठीक हो गया। अभी फिर क्या हुआ यार, अचानक से वो इतना ठीक नहीं हो पाया था, मतलब खा पी रहा था, सब कुछ ठीक था, अचानक से 5 दिन पहले ही, मतलब 5 दिन पहले तो नहीं, अभी लास्ट में ही मंथ में ही है, 20 फरवरी के मंथ में ही, 10-12 तारीख को उसको फिर से मतलब बुखार वगैरह बढ़ गया उसका, और मतलब उसने ना बोलना बंद कर दिया, पता नहीं क्या हुआ भगवान जाने, फिर कुछ दिन पहले ही उसने बोलना बंद कर दिया। फिर हमें क्या लगा कि यार उसने बोलना क्यों बंद कर दिया, क्या हुआ, तो हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए, उसको वहाँ ICU किया गया, ICU में रखा गया और वेंटिलेटर उसके लगाया गया कि उसको सांस ले पा रहा था। तो फिर उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह हुई, तो डॉक्टर ने बता दी कि उसके फेफड़े वगैरह डैमेज है, जो उसके लंग्स हैं वो डैमेज है, और पहले उन्होंने कम बताए, फिर 80% हुए, फिर 85% हुए, अब 95% पे कहानी आ चुकी थी। तो हमने सोचा कि यार एक हॉस्पिटल में अगर इतना कुछ बता रहे हैं और बंदा, फिर हम कोशिश करेंगे कि उससे अच्छा अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ ले जाया जाए। तो मैं एम्स में भी लेके गया, तो एम्स में जो लेके गया उसकी आपके लिस्ट देख सकते हैं, तो जो भी हैं थोड़ी बहुत क्लिप्स आ रही हैं तो ये देखो। मैं एम्स में भी लेके गया, मैं एम्स के बाहर ही हूँ, और मैं जो उसकी हालत है वो प्लीज़ दिखा नहीं पाऊँगा, मैं बाहर से दिखा सकता हूँ कि हाँ ऐसे शायद मैं नहीं, मतलब रिस्ट्रिक्शन है उस चीज़ की, जो उसकी हालत है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो गाइस उसको इग्नोर करना, लेकिन कहानी मेरी पूरी रियल है, कोई झूठी नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। बहुत से लोगों को पता है, वो कमेंट करके बता देंगे कि हाँ मेरी जो स्टोरी है पूरी रियल है, नहीं है कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। तो गाइस यही थी कहानी, और उसको फिर उसके बाद क्या हुआ, 95% उस डैमेज बता दी गई उसके लंग्स। एंड गाइस फिर हमने तो पूरी उम्मीद छोड़ ही दी थी कि हाँ यार नहीं हो पाएगा ठीक वगैरह वगैरह। उसके बाद वो वेंटिलेशन था, तो फिर हम उसको, डॉक्टर ने एम्स से ही मना कर दिया, तो कहने लगे कि घर ले जाओ, घर पे सेवा करो, और जब तक कर सकते हो ठीक है, जब तक भी जिंदा है। और उन्होंने तो ये कह दिया था कि तुम इसको लेके जाओगे तो ये शायद एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देगा शायद, इज डेड। तो गाइस फिर वहाँ से क्या हुआ यार, हमने सोच लिया था दिल में पूरी रात, हमने मतलब उस एक रात पहले ही डॉक्टर ने कह दिया था। तो गाइस हम वहाँ से फिर ले आए, लेकिन उसने एम्बुलेंस में कुछ नहीं तोड़ा, एम्बुलेंस में और बल्कि ठीक हो गया, वो हॉस्पिटल से ज़्यादा ठीक हो गया है ना।
अब हमें खुशी यार बंदा ठीक हो रहा है, मतलब जूस, हमने उससे पूछा जूस में पिएगा, वो हाँ ना सब कुछ करने लगा। मैं कह रहा वेंटिलेटर वाला पेशेंट बिना ऑक्सीजन के रह रहा है, वो भी एम्बुलेंस हमने बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस करी और बिना उसको ऐसे लेके आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। घर पे दिया दिखाया सबको, सब कह रहे हैं यार ठीक है बंदा, दाल वगैरह सब खा रहा है। वेंटिलेटर वाला जो पेशेंट है, वेंटी पेशेंट, मतलब ये सारी चीज़ें हरकतें कर रहा है, तो ठीक ही होगा। तो गाइस वो भी फिर वहाँ पे उसको घर पे भी नहीं सकते थे उस टाइम, जब सारे हॉस्पिटल से मना कर दिया, सारे हॉस्पिटल में हमने उसकी रिपोर्ट्स दिखाई, कोई हॉस्पिटल वाला उसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा बेकार है, तो वेंटिलेटर पेशेंट है, मतलब इसका तो बहुत ज़्यादा डैमेजेशन है, तो इसको नहीं रख सकते हम। तो गाइस यही हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने मतलब उसको सरकारी हॉस्पिटल में, अगर उसको टीबी की बीमारी बताई गई थी तो सरकारी हॉस्पिटल में हमने उसको एडमिट करा दिया, क्योंकि जो टीबी का इलाज है वो सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। पोलियो का इलाज सरकार करती है ना, ऐसे टीबी का इलाज भी सरकार करती है, तो टीबी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही बेस्ट होता है। ये भी मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी को भी टीबी है तो प्लीज़ सरकारी हॉस्पिटल को विजिट करें जाके। एंड गाइस फिर हमने उसमें उसको एडमिट कराया, उसके बाद जब हम वहाँ से आए, ठीक है, मतलब वहाँ से क्या है, मतलब सरकारी हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दिया, सिविल हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दिया था कि इसका भी नहीं हो पाएगा, क्या फ़ायदा, ये यहाँ मर जाएगा या कुछ भी है, इसका आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराओ। तो हमने उनको रिपोर्ट्स दिखाई, तो उन्होंने कहा यार, मतलब मैंने उसको बस यही कहा कि भाई हम एम्स से वापस आ चुके हैं। गाइस एम्स एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में इंडिया में, एम्स जैसे हॉस्पिटल जो बने हैं, अगर मतलब अच्छे हॉस्पिटल हैं लेकिन उस पर नंबर भी काफ़ी दिनों में आता है। तो मैं तो यही सरकार से, अगर सरकार में से कभी कोई बंदा देखेगा ये वीडियो, तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि एम्स जैसे हॉस्पिटल और भी बनाए जाएँ जगह जगह पर, जहाँ जहाँ जगह है अच्छी, बहुत कम है एम्स हॉस्पिटल, और बनाए जाएँ तो शायद लोग और ज़्यादा वहाँ पे, क्या होता है ना एम्स में कि बाहर ही लोग पड़े रहते हैं। कि मतलब जो लास्ट मंथ में मेरे साथ हुआ है वही यही हुआ था कि मतलब 25-26 अगस्त में मेरे जो मेरा भाई है जो वेंटिलेटर पे था, जिसके सारे फेफड़े वगैरह सब कुछ ख़राब बता दिए थे, उसको हम सिविल हॉस्पिटल से ले आए, और सिविल हॉस्पिटल से लाने के बाद में उसको घर रखा, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में भी उसके एडमिट नहीं कर रहे थे, तो उसको घर रखा सिविल हॉस्पिटल में लाने के बाद। और जब वो घर रखा तो वो 2 या 3 दिन हुए ही होंगे, शायद 2 दिन ही हुए थे, एंड 2 दिन में 2 दिन बाद ही इज़ डेड। तो 6 मंथ के अंडर मेरे घर में 2 डेथ हो गई। और गाइस यही मेरे साथ जो बुरा हुआ, मैंने स्टोरी में बोला कि हाँ जो मेरे साथ बुरा हुआ, जो मेरे कुछ बुरे दिन बीते हैं, तो वो यही थे मेरे बुरे दिन। एंड गाइस यही है कि यार आउटसाइड तो मैं स्माइल फेस आउटसाइड दिखाना पड़ता है, क्योंकि मतलब आउटसाइड तुम दिखा के मतलब अपना दुख दिखाओ हर जगह, यार कोई सोचेगा यार पागल इंसान है कि मतलब हमेशा मुंह लटकाया रहता है क्या नहीं है, मतलब यही बात सारी बात है, जॉब पे जा रहे हो मुंह लटका के बैठे रहो, तो वो सारा मैटर नहीं, मतलब वो सारा छोड़ दो उसको अलग, अगर तुम खुश रहोगे तो दुनिया भी मतलब सब कुछ अच्छा ही रहेगा ना, इनसाइड कुछ भी हो लेकिन बाहर हैप्पी होना चाहिए। तो गाइस वही मेरे अंदर बात है, वही मैं सबको दिखाता हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी, लेकिन अब फिर से देखते हैं, मेहनत करेंगे, और अपना YouTube पे भी अपनी कहानी थोड़ी ठीक ही चल रही है, तो गाइस उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। बस मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो हुआ, ऐसा भगवान किसी के साथ भी ना करे, कभी भी ना करे, मैं तो यही दुआ करूँगा हमेशा भगवान से, यही दुआ करता हूँ किसी के साथ भी ना करे। तो गाइस यही है, एंड गाइस बस यही कहानी मुझे अपनी बतानी थी। और अगर जिसको भी थोड़ी बहुत मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी हो, रियल स्टोरी थी मेरी है, अगर थोड़ी बहुत भी किसी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को तो लाइक कर ही देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट चाहिए मुझे अभी आप सब लोगों का, मतलब इतना सपोर्ट की ज़रूरत है ना अभी, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। तो ये लगा लो मैंने रास्ता देखा है, अभी मैं रास्ते पे चलूँगा अभी, और फिर रास्ते पे चल के आगे बहुत कुछ करना भी है आगे ज़िंदगी में। एंड गाइस अगर आप सबका साथ रहेगा तो गाइस बहुत कुछ हम बहुत बड़ा करेंगे, मतलब बहुत बड़ा क्या, बहुत बड़ा तो बहुत बहुत लोगों ने कर दिया, लेकिन हम कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और गाइस बिल्कुल सही पे सही रहा दिखाता रहूँगा मैं आपको चलने की, बीच बीच में ब्लॉग में ही मोटिवेट करता रहूँगा, क्योंकि जब इंसान इतना टूट जाता है ना, तब इंसान के साथ इतने सारे हादसे हो जाते हैं, तो वो एक मोटिवेशन वाली स्पीच भी देने लगता है, मोटिवेट भी करने लगता है लोगों को। तो गाइस प्लीज़
से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अब ऑलवेज हैप्पी रहें, हमेशा खुश रहें। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, कोई तुम्हारे मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी है, तो गाइस कोई टेंशन नहीं लेनी है। और जो भी कुछ है मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई दी अपनी, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, और इस वीडियो को तो खरीदो कम से कम लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एंड शेयर भी कर सकते हो वीडियो को अगर इफ़ यू इंटरेस्टेड इन माई स्टोरी, बिकॉज शेयर इन माई वीडियो एंड लाइक एंड जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइस और पीछे का नज़ारा तो आप देख ही रहे होगे, अच्छा है ना। अगर आप यहाँ घूमने नहीं आ रखे हो तो यहाँ घूमने भी आ सकते हो, और वैसे तो सब लोग आ ही रखे होंगे यहाँ घूमने, ये गर्जा देवी से थोड़ा पीछे पड़ता है रामनगर में टेंपल, और अभी बहुत से लोग अपनी फ़ोटोग्राफी कराने के लिए, स्प्रिंग वाला मौसम चल रहा है, पत्ते झड़ने वाला मौसम चल रहा है, पतझड़ मौसम जिसे कहते हैं, तो गाइस वाला मौसम चल रहा है, और बस ठीक ही है सब कुछ, हैप्पी हैप्पी रहो बस हमेशा। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपनी सारी टेंशनों को दूर करके बस ज़िंदगी में जीना सीखो, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए तुम्हारे साथ, तो वही है। और सेफ लीजियो और अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ठीक है। बस तो इसी चीज़ को लेकर वीडियो का एंड करते हैं, एंड मिलते हैं कहाँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट, ये तो एक स्टोरी वाली वीडियो थी, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।